नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल नमकीन, जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी चना दाल जिसे हमने रात भर भिगो कर रखा था। सुबह हमने इसे छलनी में छान कर इसे सुखा लिया है अच्छे से। एक चुटकी हींग, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, एक चम्मच चाट मसाला। तो आइए शुरू करते हैं हम चना दाल नमकीन बनाना। दाल फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें दाल फ्राई करेंगे। दाल फ्राई करने के लिए हम ये झारा यूज करेंगे, ये मिक्सर फ्राई करने का झारा आता है, इसमें अच्छे से फ्राई हो जाता है। हम इसे ऊपर नीचे करते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके पकने का तरीका इस तरीके से है कि इसमें देखिए हल्की हल्की कंची सी आवाज़ आने लगी है, इसका मतलब ये पक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की दाल भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारी दाल फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। मसाले हमें इसे गरम गरम में ही डालने हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम दाल में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए, हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है दाल में। अब हमारी चना दाल नमकीन सर्व करने के लिए तैयार है। चना दाल नमकीन सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।